वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी कितने प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कौन सी पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आईएएस किस प्रकार बना जाता है, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस एट्सेट्रा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में कंडक्ट करवाई जाने वाली एक परीक्षा जिसे सीएसए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कौन तैयारी कर सकता है इसकी, यूपीएससी सीएसए जो एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस आईएफएस बनने के लिए, उसकी तैयारी कौन कर सकता है, उम्र क्या चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात कि क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए एक स्टूडेंट या एस्पायरेंट के पास इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। देन सब्जेक्ट्स जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है इस एग्ज़ाम को क्लियर या क्रैक करने के लिए। प्री का मतलब क्या होता है, मेंस का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का क्या मतलब होता है, कौन सा पैटर्न होता है इस एग्ज़ाम का, उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। देन जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिव थिंग है इस एग्ज़ाम की, स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट जो है ये देखिएगा, वर्ल्ड का मतलब कि अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे टफ एग्ज़ाम है यूपीएससी सीएससी। देन अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सेकंड या थर्ड पर आता है ये एग्ज़ाम, टफेस्ट एग्ज़ाम है इन द वर्ल्ड। सो देखिएगा, यहाँ पर हम जानेंगे ऑप्शनल के बारे में कि ऑप्शनल का क्या मतलब होता है। ऑप्शनल में स्टूडेंट्स हमेशा फंस जाते हैं कि उन्हें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, क्या उन्हें अपने ग्रेजुएशन में किया हुआ सब्जेक्ट ही ऑप्शनल के रूप में सिलेक्ट करना चाहिए या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, और कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देन स्टूडेंट्स के ड्रीम होते हैं लबसना सपना में जाने का, लबसना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी और सपना जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है, फाउंडेशन कोर्स होता है लबसना में 3 महीनों का। देन रिस्पेक्टिव जहां पर जो पोस्ट आपको अलॉट की गई होगी वहां पर आपको भेज दिया जाएगा, तो इसके बारे में जानेंगे। यहां पर एक कन्फ्यूज़न होती है IFS को लेकर और IFOS को लेकर, IFOS को लेकर। सो इनके बारे में हम जो भी बादल छाए हुए हैं उनको क्लियर करेंगे। देन बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए, एंड लास्ट में जानेंगे कि क्या एक स्टूडेंट को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिव कॉन्सेप्ट्स है इस एग्ज़ाम को लेकर या जो माइंड में आते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। सो, देखिएगा, सबसे पहले यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएससी एक ऐसी संस्था है भारतीय सरकार की जो सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाती, लाइक सीएससी एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट नहीं करवाती, ये सरकार को सलाह भी देती है, एक तरीके से सरकार के थिंक टैंक या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कार्य करती है। ओके, सो सीएससी या फिर सीडीएस, एनडीए और अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाती है, सिर्फ आईएएस आईपीएस के लिए ही एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है ये संस्था। यहाँ पर अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। अब यहाँ पर हमारा फोकस रहने वाला है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस पर, तो हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सीएससी का मतलब क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। सो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की जो डेट्स होती है वो अनाउंस कर देती है यूपीएससी कब, सेकेंड मंथ ऑफ लाइक फेब्रवरी में ये नोटिस आ जाता है। ये ऑफिशियल नोटिस है यूपीएससी का, कौन से एग्ज़ाम के लिए, सीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर 1 तारीख 2 महीना 2023 को नोटिस आ चुका था और लास्ट डेट बताई गई थी एप्लीकेशन के लिए 21 तारीख। तो ओवरऑल 20 या 21 डेज दिए जाते हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप इच्छुक है इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो आपको 20 to 21 डेज दिए जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए इसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। देन अब यहाँ पर आपको जानना है कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। सो, इसका फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विज़िट करना होता है, upscionline.nic.in पर। ओके, देन ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आगे आपको पता चलेंगे जब आप अभी आप एकदम फ्रेशर हो। मैं यहाँ पर आपको जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ही नोटिस आपको अच्छे से समझाऊँ तो उसके लिए एक अलग डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी यहाँ पर
उन स्टूडेंट्स या एस्पेरेंट के लिए बना रहा हूँ वीडियो जिन्हें यूपीएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो सिर्फ बिल्कुल पहली ही सीढ़ी पर चलना चाहते हैं या चढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि वो समझ पाए कि यूपीएससी क्या होता है और उन्हें एक लक्ष्य या फिर गाइडेंस मिल जाए कि भाई ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं हम। उन्हें क्या पता कोई गाइडेंस ना मिल पा रही हो या फिर गाइडेंस की कमी हो, मेंटरशिप दे रहा हो उनको कि आप कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं कौन सी पढ़ाई के बाद। ओके, सो हमने देखा कि सेकेंड मंथ में यहाँ पर प्रेपरेशन के लिए नोटिस आ जाता है कि भाई कौन सा व्यक्ति इसके लिए अपीयर हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो देखिएगा, यहाँ पर यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के तैयारी लाइक बहुत सारी जो पोस्ट्स होती है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे फेमसली जाना जाता है आईएएस के नाम से, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए ग्रुप बी आदि की जो सर्विसेज है वो भी ये कंडक्ट करवाता है। अब देखिएगा 2023 की जो नोटिफिकेशन है उसमें 1105 पोस्ट्स टोटल आई थी। ओके, सो 1105 पोस्ट्स में आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि भाई 1105 पोस्ट में से 37 जो वैकेंसीज है वो रिजर्व्ड है किनके लिए, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए। सो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर पूरा ही बताया गया है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। बेसिकली इस एग्ज़ाम में भी रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी दिव्यांग लोगों को, महिलाओं को, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ओके, हम आगे चर्चा करेंगे सभी चीज़ों की, मैंने आपको जो जो बताया है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टैकल करेंगे। सो हमने यहाँ पर जान लिया यूपीएससी क्या है, कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, सीएससी क्या है वो हमने जान लिया। अब जान लेते हैं प्लान फॉर एग्जामिनेशन। सो प्लान फॉर एग्जामिनेशन अगर देखा जाए कि ये किस तरीके से इसका जो लाइक पैटर्न है इस एग्ज़ाम का वो कैसा रहता है उसके बारे में, तो देखिएगा ये तीन भागों में अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो तीन भागों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। पहले होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स जिसे नॉर्मली कहा जाता है, तो ये एमसीक्यू टाइप्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं जिसमें आपको दो पेपर देने होते हैं, एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है और एक के जो मार्क्स है वो गिने जाते हैं। देन मेंस होता है जिसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, एंड अगर आप रिटन अर्थात मेंस में पास हो जाते हैं देन आपका इंटरव्यू होता है। ओके, तीन फेज है। अब एलिजिबिलिटी की कौन इसके लिए लाइक तैयारी कर सकता है इस एग्ज़ाम की, तो देखिएगा इसमें ज़्यादा कुछ आपको रॉकेट साइंस आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आईएएस आईएफएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, और अगर आप बाकी सर्विसेज ग्रुप ए ग्रुप बी और अदर सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडियन नागरिक है तो भी चलेगा, नेपाल से आप बिलोंग करते हैं तो भी, भूटान तिब्बतन रिफ्यूजी एट्सेट्रा आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखिएगा यूपीएससी अलोन इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही ट्रेनिंग नहीं देती, लेकिन इनके अलावा दूसरी भी लाइक स्टेट्स या कंट्रीज़ है जिनके जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ओके, सो एज लिमिट की अगर बात करें कि उम्र क्या होती है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। सो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि आपकी उम्र 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 1922 तक जो 2002 है के बीच में होनी चाहिए, कि आपका जन्म उसके बीच में होना चाहिए तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर पाएंगे। बेसिकली आपकी एज 21 होनी चाहिए। ओके, देन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैटर करता है या नहीं, तो यहाँ पर अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया
और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC एक्ट 1956 और पजेस एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सो देखिएगा, यहाँ पर एक कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कि उस कैंडिडेट को या एस्पिरेंट को या स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट कर लेनी चाहिए अगर वो UPSC की तैयारी करना चाहता है तो। अब इसकी तैयारी कब शुरू की जानी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, बहुत अब तो ट्रेंड चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तैयारी 11th, 12th, even 10th क्लास से भी स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करना। बट इन माय ओपिनियन, और जैसा कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स को सुना है, लाइक टॉपर टॉक्स जो आती है दृष्टि IAS की एंड अदर जो इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग्स है, उनकी जो आती है टॉक्स, तो वहाँ पर मैंने पाया कि इतना अर्ली स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिएगा कि आपने 10th क्लास से इसकी प्रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप 12th या फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते क्या होंगे, बोर हो जाएंगे पढ़ पढ़ कर। तो इतना जल्दी भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको प्रिपरेशन के लिए तैयारी ही करनी है तो आप जो आपकी ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक NCERTs को पढ़ना। उस सेकंड सेमेस्टर में आप बेसिक NCERTs को पढ़िए, थर्ड सेमेस्टर में आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर या ट्वेल्थ क्लास से ही न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बना लीजिएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी बात होगी अगर आप 12th क्लास से ही स्टार्ट कर दें। ओके, सो कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं? अगर इंग्लिश की बात करें तो आप द हिंदू और आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको करंट अफेयर्स से परिचित होना है, आप किसी भी न्यूज़पेपर को चुनें। और हिंदी के लिए आप किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर, जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि नवभारत टाइम है, हिंदुस्तान है एंड नवोदय टाइम्स है। कोई सा भी आप एक न्यूज़पेपर जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ओके, देन अब यहाँ पर जो चर्चा करनी है कि अटेम्प्ट्स कितने दिए जाते हैं, कि कौन कितनी बार इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, कौन कितनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो देखिएगा, SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं या एस्पायरेंट है उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। अनलिमिटेड इन द सेंस कि उनकी जहाँ तक एज है, इफ़ आई एम राइट, तो 42 ईयर्स तक वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, 21 से 42 तक। ओके, सो उनके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास 9 अटेम्प्ट्स हैं। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी है, मतलब कि दिव्यांग है आप, तो आपको 9 जो अटेम्प्ट्स हैं वो दिए जाएंगे जनरल AWS OBC को। और SC ST के लिए तो अनलिमिटेड है ही। और जनरल को कितने दिए जाते हैं, बेसिकली जनरल कैटेगरी के लोगों को दिए जाते हैं 6 अटेम्प्ट्स। ओके, देन रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये तो फिर आगे की बात हो गई कि अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट है जैसे कि IAS या फिर IFS तो आपको पहले वहाँ से रिज़ाइन करना होता है, फिर अगर आपको पोस्ट अच्छी चाहिए या फिर दूसरी पोस्ट आपको चाहिए तो फिर दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये आगे की बात है, जब आप प्रिपेयर करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे तब की। तो अब यहाँ पर जब हम फिल करते हैं फॉर्म को तो उसके लिए कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है हमें इस एग्ज़ाम के लिए, कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो देखिएगा, फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर सीधा सा बताया गया है कि SC ST और जो फीमेल और जो दिव्यांग लोग हैं उनको फ़ी पे नहीं करनी। लेकिन जो जनरल लोग हैं, जनरल कैटेगरी से आने वाले जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट है, उनको ₹100 फ़ी पे करनी होगी फॉर्म फिलिंग की। वो आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर किसी बैंक के थ्रू। ओके, सो हाउ टू अप्लाई वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी साइबर कैफ़े में विज़िट कीजिएगा और वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स बताइएगा एंड आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। देन आगे बढ़ते हैं,
हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको डिटेल्ड में जो लाइक इसका सिलेबस है उसे डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा लिखा हुआ होगा कि भाई कमेंट सेक्शन में की डिटेल में हमें सिलेबस की भी वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस। सो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लान क्या होता है एग्जामिनेशन का या पैटर्न क्या होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है। अगर आप मेंस में भी पास हो जाते हैं देन इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। रिस्पेक्टिव आपको जो भी पोस्ट दी गई होगी या रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट दी गई होगी। अब यहाँ पर आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है, ये आपको जानना आवश्यक है कि प्रिलिम्स जो एग्ज़ाम होता है प्रिलिमिनरी, उसमें क्या है, द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ टू कंपल्सरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच। 200 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, दो एग्ज़ाम होते हैं टोटल प्रिलिम्स में, जिसमें एक एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, दोनों ही कंपल्सरी है। अब बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि एमसीक्यू टाइप होंगे दोनों ही क्वेश्चन पेपर। द जनरल स्टडीज पेपर टू ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स डेट 33%। सो जीएस पेपर टू जो होगा प्रिलिम्स में, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। देन जो आपका अदर है उसमें आपको कम से जितने ज़्यादा मार्क्स लाए उतना अच्छा है, मतलब कि कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, सिंपल सी बात है। देन आपको हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में अदर एग्ज़ाम देने होंगे। ओके, यहाँ पर मतलब कि आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या फिर क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब मेंस के बारे में चर्चा करते हैं, तो मेंस को अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि क्वालिफाइंग पेपर होगा पेपर ए जिसे कहते हैं, जो होगा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस दी गई है उसमें से किसी एक का, और सेकंड पेपर बी जो होगा वो इंग्लिश का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने, ये आपकी कट ऑफ में नहीं गिने जाएंगे। देन अब यहाँ पर स्टार्ट होता है रियल, जो मूवी है वो अब यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो पेपर 1 जो है वहाँ पर ऐसे हैं, ऐसे के लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, यहाँ पर ऐसे कहीं से भी पूछे जाते हैं। ओके, देन पेपर 2 है GS 1 जो है, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 250 मार्क्स के होते हैं। GS 2 जो है उसमें, उसके लिए ज़्यादातर एस्पिरेंट या कैंडिडेट जो है वो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत या DD बासु जो बुक है उसे रेफर करते हैं। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR जो है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो वो 250 मार्क्स का आता है। GS पेपर 3 जो है उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ सिलेबस इसका सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर रहे हैं, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप चाहते हैं तो हम लाइन टू लाइन एक एक वीडियो लाते रहेंगे हर एक सिलेबस के बारे में। और पेपर जो 5 है या फिर जनरल स्टडी 4 जो जिसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है वो भी है। देन ऑप्शनल, ऑप्शनल के लिए आपको 2 पेपर देने होंगे, लाइक ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, जिसमें आपको 250 250 टोटल 500 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका ऑप्शनल। और ओवरऑल मार्किंग बताई जाए तो सब टोटल होगा रिटन टेस्ट का 1750, देन जो आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो 275 मार्क्स का होगा। ओवरऑल मार्क्स जो है वो 2025 मार्क्स का आपका पूरा ही जो पेपर है वो होगा। और उसमें से अगर कट ऑफ बताई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ आपकी अगर 1100 मार्क्स आप ले आते हैं, 1100, ओके, ये मत सोचिएगा ये तो इजी है, लेकिन अगर आप 1100 ले आते हैं मार्क्स तो समझिएगा कि आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी एंड आप डेफिनेटली IAS या फिर IPS आपको मिल ही जाएगा। ओके, देन अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सी लैंग्वेजेस है। ओके, लैंग्वेजेस के बाद आप यहाँ पर ये देखिएगा कि ऑप्शनल के लिए कौन से सब्जेक्ट है।
एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे PSIR के नाम से जानते हैं, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। सो लिटरेचर में आप इनमें से किसी भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं लिटरेचर, जैसे कि हिंदी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर एट्सेट्रा। सो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल चुका होगा इस एग्ज़ाम के लिए, और आगे देखते हैं कि और आगे हमें क्या बताया गया है। हमने सारे ही जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, बेसिकली ये सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है सभी बातों को कि सिलेबस क्या है, ऑप्शनल क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र क्या है, तैयारी कौन कर सकता है। अब तीन बातें यहाँ पर रह गई कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी है एंड जो स्वप्ना है उसके बारे में जानना बाकी रह गया। IFS एंड IFOS में क्या डिफरेंस है वो जानना रह गया। बुक लिस्ट एंड कोचिंग के बारे में जानना रह गया। सो स्टार्ट करते हैं लबसना के साथ। तो देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अकेडमी है वो स्टार्ट होता है वो फेज़ आपका एग्ज़ामिनेशन के बाद। मान लीजिएगा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, प्रेपरेशन की, देन आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए, आपने तीनों ही जो लेवल थे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लिए, आपकी कट ऑफ अच्छी आ गई। अब आप जाएंगे लबसना में। लबसना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, वहाँ पर आपका 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा। ओके, अगर आप फाउंडेशन कोर्स 3 महीने का होगा और उस फाउंडेशन कोर्स के बाद अगर आपको IPS मिला है कैडर, मतलब कि IPS आपको पोस्ट मिली है, तो आपको 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद भेज दिया जाएगा इसकी जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी जो है, इसकी पुलिस अकेडमी, वहाँ पर, कहाँ पर, SVPNNA में, स्वप्ना में, जहाँ पर आप IPS की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आपको IAS मिला है देन वो आपको वहीं पर लबसना में ही आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। देन अगर IFS मिला है तो न्यू दिल्ली में आपकी जो ट्रेनिंग है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। देन अब यहाँ पर IFS एंड IFOS के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, IFS जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और IFOS जो है, देखिएगा, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड IFOS जो होता है वो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। फॉरेस्ट आप जानते हैं कि जो जंगलों में जो सर्विसेज दी जाती है, या फिर वनों में, मतलब कि जियोलॉजी के लिए जो सर्विसेज दी जाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, और फॉरेन सर्विसेज में डिप्लोमेट्स की सर्विस होती है। अब बुक लिस्ट की चर्चा करते हैं, तो बुक लिस्ट के लिए एक मैंने पूरी ही लिस्ट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेंस और जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट है उसके लिए मैंने पूरी ही बुक लिस्ट की वीडियो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पेज पर लिखा हुआ पूरा ही बुक लिस्ट का जो पैटर्न है वो भेज दिया है सभी सब्जेक्ट के लिए। देन कोचिंग, अब कोचिंग के बारे में चर्चा करें तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिव है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। तो देखिएगा, कोचिंग के लिए मेरा अपना ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको लगता है कि आप बिना कोचिंग के भी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बिना कोचिंग के आप घर पर पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कोचिंग कोई कंपलसरी या अटमोस्ट थिंग नहीं है कि एक UPSC एस्पायरेंट को कोचिंग करनी ही है। कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट गाइडेंस है, सफिशिएंट नॉलेज है, और आप इस एग्ज़ाम को घर पर ही प्रिपेयर, सेल्फ प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, सेल्फ स्टडी कहते हैं, उसके थ्रू ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट को मैंने सुना है जिन्होंने कहा है कि उन्होंने कोचिंग भी नहीं ली और वो कहीं पर कार्य भी करते थे, और दो दो फ्रंट पर लड़ते हुए उन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा,
तो आप प्रदीप सिंह को सुन सकते हैं। यूट्यूब पर उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बताई गई है। वो लाइक काम भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे और स्टडी भी कर रहे थे, और साथ में कोचिंग भी उन्होंने नहीं ली। तो बिना कोचिंग के भी इसे क्लियर किया जा सकता है बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो प्रदीप सिंह की रैंक पता है क्या रही थी? ऑल इंडिया रैंक 1 विदाउट कोचिंग। ओके, सो यहाँ पर आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की आवश्यकता है या फिर कहीं कोचिंग की आवश्यकता है, तो आप किसी भी कोचिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है। अनअकैडमी है, विजन IAS है, दृष्टि IAS है एंड संस्कृति IAS है। बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर। और एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माइंड में, क्या दिल्ली आना आवश्यक है? सो मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली आना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप अपने घर से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट है, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों ही कोचिंग बेनिफिशियल है। और आपको कौन से क्वेश्चन सता रहे हैं कमेंट कीजिएगा, उनको मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।